हेलो गाइस, दिस AnubisOP। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले एक ड्यो गेम प्ले। गाइस, हम लोग ड्यो रैंक पुश कर रहे हैं, मैं और रैग्नारोक। सो सोलो भी वीडियोस आती रहेगी और ड्यो की भी वीडियोस आती रहेगी चैनल पे। गाइस, आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि ड्यो रैंक पुशिंग के बारे में भी टिप्स एंड ट्रिक्स बता। तो गाइस, मैंने कभी ड्यो रैंक पुश किया नहीं, मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं कैसा है, बट ये बार फर्स्ट टाइम मैं रैंक पुश कर रहा हूँ। तो जब मैं कॉन्करर पहुँचूँगा गाइस, उसके बाद मैं टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। सो गाइज, अभी के लिए इस वाले गेम प्ले पर बढ़ते हैं। तो गाइज, हम लोग उतरे थे सैन मार्टिन में और मैंने बोला कि भाई यही बिल्डिंग ले लेते क्योंकि यहाँ पे कोई आता नहीं, तो हम उस बिल्डिंग में चले गए। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत लूटपाट की वहाँ पे। तो गाइज, लूट होने के बाद हम लोग आ जाते हैं सिटी के अंदर और यहाँ से हम बस बंदे ढूंढने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पे दो तो ड्यू आए थे, बट वो कहाँ पे ये नहीं पता था, बट यहाँ पे एक ड्यू हमें स्पॉट हो जाता है। भाई, जब भी आपकी लूट ख़त्म हो जाती हो तो इस वाली बिल्डिंग पे आ जाओ क्योंकि ये वाली बिल्डिंग सेफ भी है और यहाँ से हर जगह पे एंगल मिलता है गाइस। तो इस वाली जगह पे आ जाओ। तो यहाँ पे बंदे हमें कंफ्यूज करना चाहते थे या क्या करना चाहते थे पता नहीं, बट वो इधर उधर घूम रहे थे, तो हमने भी अपनी पोजिशन नहीं छोड़ी यहाँ पर। इसी बीच एक बॉट आ गया गाइस। बट गाइस, बंदा इतना हरामी था आगे वाला कि उसने मेरा किल चोरी कर लिया यहाँ पे। तो गाइस, यहाँ पे मैंने भी उसका किल चोरी कर लिया और मुझे भी एक किल मिल गया। इसी बीच रैग्नारोक ने आवाज़ दिया कि भाई मेरे पास एक ड्यू आ रहा है। तो गाइस, हम नीचे देखने लगे। तो गाइस, ये जो बंदे आ रहे थे ये अच्छे थे, इनका एम अच्छा था। मैं ऊपर से फायरिंग दे रहा था फिर भी मेरे ऊपर बैक फायर दिया उसने, और यहाँ पे मैं बस रैग्नारोक को एक ही कॉल दे रहा था कि भाई नॉक मत हो जाना, नॉक होने से डायरेक्ट पुश आया जाएगा और सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी। उसके बाद गाइज, मैंने थोड़ा बहुत हील वगैरह कर लिया और रैग्नारोक को बोला कि भाई तू जो छोटा वाला कमरा है वहाँ पे जाके छिप, क्योंकि वहाँ पे एक छोटा दरवाज़ा भी है, सीक्रेट दरवाज़ा है, नीचे से बंदा डायरेक्टली ऊपर आ सकता है। तो उसे मैंने वहाँ पे भेज दिया और यहाँ पे एक स्मोक कर दिया था कि जो सीढ़ियों से आएगा बंदा वो उसके ऊपर एम ना ले सके। तो गाइस, हम लोग बस वेट कर रहे थे क्योंकि और कोई चांस नहीं था, ना हम ऊपर कहीं पे जगह पे जा सकते थे, नीचे से तो बंदे रश करने के मूड में थे। तो गाइस, हमने थोड़ा वेट किया। तो गाइस, इनकी स्ट्रैटेजी बहुत सही थी, मतलब एक बंदा आ रहा था वो सीक्रेट दरवाजे से और दूसरा आ रहा था सीढ़ियों से, बट उनको पता नहीं था कि मैं ये साइड पे हूँ। बट मेरी ज़रूरत नहीं पड़ी रैग्नारोक के, उसने अकेले नहीं एक बंदे को पेल दिया, उसके बाद दूसरा बंदा मुझे पता था कि कहाँ से आएगा, उसको भी पेल दिया गाइस। उसके बाद गाइस, यहाँ पे बहुत सारे नेड आते हैं और दूसरा जो स्क्वाड था, सॉरी ड्यो था, वो भी हमारे ऊपर रश करते गाइस। फिर से हमने वही पोजीशन पकड़ ली जहाँ पे रैग्नारोक था वहाँ पे वो और यहाँ पे मैं। तो गाइज़, यहाँ पे स्मोक के बीच रैग्नारोक उनको दिखाई नहीं, बट मैं उनको स्पॉट हो गया था और मैं जैसे ही फायर मेरा मिस हुआ मैं ऊपर चला गया और उसके बाद पोजीशन होल्ड करके उन दोनों को ही फेल दिया इजीली। उसके बाद गाइज, बाजू से एक गाड़ी जा रही थी बट हमने उसको इग्नोर कर दिया क्योंकि हमें अभी फाइट नहीं लेनी थी। तो गाइज़, एक बॉट आ जाता है बीच में एकदम से, इसको भी फिनिश कर दिया। तो गाइस, यहाँ पे रैग्नारोक के साथ किल कम थे तो मैंने बोला कि भाई इसका किल ले ले। तो गाइस, यहाँ पे रैग्नारोक ने मुझे कॉल दिया कि आगे वाली एक बिल्डिंग पे एक बंदा है, बट रैग्नारोक ने उसको नॉक कर दिया और मैंने बोला कि भाई अभी रश ही कर देते हैं हम लोग, तो हमने सीधा रश ही कर दिया गाइस उनके ऊपर। पर गाइस, इस बिल्डिंग से डायरेक्टली उतरना हो तो ये वाली ट्रिक यूज़ करना जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, इससे डैमेज बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको, फॉल डैमेज। तो यहाँ पे गाइज, एक बंदा बाहर की साइड था और एक बंदा ऊपर वाली फ्लोर पे था।
तो गाइज़ फाइनली ये वाले ड्यो भी ख़त्म, और यहाँ पे गाइज़ सैन मार्टिन पूरा क्लियर हो चुका था और हमें अभी जोन में जाना था क्योंकि जोन भी आ गया था। और ड्यो में गाइज़ मैं प्रीफर करूँगा दो व्हीकल्स, क्योंकि एक व्हीकल से बस्ट हो सकती है तो दोनों भी मारे जाएंगे, इसलिए मैंने रेगनोक को भाई बग्गी ले दिया। उसके बाद मैं भी आगे चलता हूँ और मुझे आगे जाके एक और बग्गी मिल जाती है। गाइज बग्गी सेफ है इसलिए बग्गी यूज़ करो, बाकी गाड़ियाँ थोड़ी बहुत ग्लिच्ड है मुझे पता है, बट बग्गी यूज़ करो, बग्गी सेफ है। उसके बाद गाइज हमने सोचा कि ड्रॉप पे चलते हैं, तो गाइज हम ड्रॉप की तरफ निकल पड़े और ड्रॉप पे रेगनोक बोलते कि दो बंदे आए हैं बग्गी लेके। तो गाइज पहले तो हमने सोचा कि वो लोग रुकेंगे, बट वो लोग रुके नहीं, मैंने कुछ शॉट्स भी उनके ऊपर ट्राई किए। उसके बाद रेगनोक ने बोला कि भाई वो बंदे ऊपर की साइड रुके, तो हम ऊपर चले गए। फिर तो गाइज यहाँ पे मुझे नीचे से गाड़ी की आवाज आती है बग्गी की। Enemies ahead. तो ये वाले बंदे तो बहुत ही इजीली मारे गए, और इसके पास से मुझे मिल गई थी M249 जो कि मेरी फेवरेट गन है। इवन ग्रोजा के सामने भी मैं M249 उठाता हूँ। उसके बाद गए जोन बन गया था और मुझे हम लोगों को थोड़ा सा जोन के अंदर जाना था, शायद से बना नहीं था जोन, बट हमने सोचा थोड़ा किल्स के लिए जाते हैं। और यहाँ पे एक गाड़ी दिखाई दी, अभी हमें पता चल गया कि यहाँ पे कोई ना कोई बंदा है। तो गाइज इस बंदे ने सडन अटैक कर दिया एकदम से रेगनोक के ऊपर, और मैं भी नेड कर रहा था और मेरा नेड भी गलत हो गया था, बट जैसे तैसे यहाँ पे हम बच गए। यहाँ पे पहले स्मोक किया और रेगनोक को यहाँ पे बचा लिया। उसके बाद गाइज हमें गन फायरिंग की आवाज़ आती है आगे की साइड से, तो हम उधर देखने लगते हैं। तो पहले तो मुझे कोई स्पॉट नहीं होता है, उसके बाद एक बंदा यहाँ पे ओम चलाता है। बट यहाँ पे हमें वो स्पॉट नहीं हो रहा था कि एग्जैक्टली वो कहाँ पे बैठा है ओम वाला। तो जब तक मैं स्कोप वगैरह खोल के सिंगल टैप देने की कोशिश करता, रगनोक ने उसे एक R98 से ही फेल दिया। उसके बाद गाइस जोन थोड़ा सा आगे था और हमने यहाँ पे आके ये वाली रिच पकड़ी, और यहाँ पे रेगनोक ने कॉल दिया कि भाई आगे आगे से गाड़ी जा रही है या फिर बंदे ओपन में जा रहे थे शायद से। तो यहाँ पे एक भी बुलेट कनेक्ट नहीं हुई, बहुत ही घटिया स्प्रे था ये वाला, बट हमने सोचा थोड़ा ऊपर जाके एक अच्छी पोजिशन पकड़ लेते। उसके बाद हम यहाँ से निकल पड़े। तो गाइज़ यहाँ पे हमें ये वाली जगह सही लगी क्योंकि एक रिज भी था, ऊपर से गाड़ी का कवर भी हम बना सकते थे, और लेफ्ट साइड से भी थोड़ा बहुत हमारे लिए कवर था। बट फिर भी मैंने गाइज़ यहाँ पे एक हाथ स्मोक कर लिया क्योंकि कोई बंदा अगर होगा लेफ्ट से तो वो हमें मार ना सके। हमारा ध्यान अभी के लिए पूरा सामने था, बट यहाँ पे लास्ट बुलेट पे गाड़ी ब्लास्ट हो गई और एक किल मिल गया मुझे। उसके बाद गए जोन फिर से थोड़ा सा आगे चला गया और यहाँ पे पूरा ओपन ही था, तो मैंने बस सर्कल की एज पे रहने की कोशिश की और गाड़ी का कवर बनाने की कोशिश की। बट गाइज बंदे उतने तगड़े नहीं थे एंड के सर्कल में, अभी जो भी दो बंदे बचे थे वो भी सोलो सोलो थे, उसमें से एक बंदा जो था उसने दूसरे बंदे के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। बट गाइज शुरू में जो बंदे थे वो लोग अच्छे थे, उनका गेम प्ले अच्छा था, उनको हराने में थोड़ा सा हमें मुश्किल हुआ था वहाँ पे, बट हमने मैनेज कर लिया। उसके बाद ये गाड़ी हमारी तरफ आ गई। तो गाइज ये वाला गेम प्ले सीजन 12 का पहला ही गेम प्ले था, और जो कि हमें चिकन मिल गया। उसके बाद गाइज हमने बहुत सारे मैचेस खेले, ऑलमोस्ट 25-30 मैचेस खेले, उसमें से 10 मैचेस हमने चिकन निकाले गाइज। सो गाइज ये वाले गेम प्ले में शुरू में ही सिर्फ इंटेंस सिचुएशन थी, बाद में एंड तो बहुत ही ईजी चला गया और ईजी चिकन मिल गया। बट गाइज आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो शुरू से लेके एंड तक पूरा इंटेंस सिचुएशन है गाइज, वो वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home.